उपस्थित हमारे रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी, विशेष रूप से उपस्थित हिरोतो इजुमिसान, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज का दिवस भारत के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जिस नव भारत की संकल्पना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है, आज एक प्रकार से केवल बुलेट ट्रेन की नींव हम नहीं रख रहे, तो उस नव भारत की नींव भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से रखी जा रही है। और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं महाराष्ट्र और गुजरात की ओर से कि देश की पहली बुलेट ट्रेन ये हमें प्राप्त हो रही है, और मैं ये मानता हूं कि इसका बहुत ज्यादा लाभ इन दो राज्यों को होगा, देश को तो होगा ही, पर प्रमुख रूप से इस बुलेट ट्रेन के कारण जो रोजगार तैयार होगा हमारे दोनों राज्यों के जीडीपी में, इससे जो इजाफा होगा, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके कारण हम भाग्यशाली हैं कि ये नए भारत की ओर जो हम लोग अब जा रहे हैं उसकी शुरुआत आज यहां से गुजरात से हो रही है और वो मुंबई तक जाएगी।